तो ये देखो भाई, बैकवर्ड बैकवर्ड जा रही है ट्रेन। ट्रेन देखो पीछे जा रही है, पीछे आती हुई ट्रेन देखी आपने कभी? ये देखो, मतलब इंजन पीछे की तरफ पुल कर रहा है ट्रेन को। ये देखो क्या प्यारे डिजाइन में इधर वो बना रखे हैं, ये प्लांट्स का डिजाइन देख रहे हो। मतलब यार किसने कराया ये डिजाइन? ये ऐसे कोई चलता डिजाइन? क्या डिजाइन दिया ये प्लांट्स का यार? इधर हद हो गई डिजाइन देने वाले ने भी यार, क्या दिमाग में आया हुआ यार उसके यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। सो अभी देख लो ये वाइड एंगल, अभी आया ना वाइड एंगल पे, अपनी बाइक बिल्कुल चमचमाते रेडी। कल ही वॉश करवाई थी इसको, बिल्कुल पॉलिश वॉलिश करा के रेडी अपनी बाइक। सो अभी हम मैं निकल रहा हूँ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं आपको बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन कैसा है। सो आज ये मोटो लॉक के साथ साथ आपको एक कॉन्टेंट भी मिलेगा। सो जल्दी से निकलते हैं, पार्किंग से निकालते हैं बाइक बाहर, मेरा फ्रेंड है वो वेट कर रहा है, उसके साथ चलते सीधा, एंजॉय करते हैं। और बाइक देख लो अपनी 10,000 चल चुकी है, और आज भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है ये अपनी बीस्ट। दिखाता हूँ आपको एक बार, देखो सेल्फ कहते हैं प्यार से सेल्फ लेके स्टार्ट होती है ये। उसके ना आगे डिस्क पे पॉलिश लग गई है, तो डिस्क अभी उतने अच्छे से काम नहीं कर रही है फ्रंट डिस्क, तो वो है देखो सिंगल सेल्फ स्टार्ट। मैन सिंगल सेल्फ स्टार्ट, नो साउंड, नथिंग। ना भी मैंने मोटिव डलवाया भाई, क्या भाई स्मूथ हो गया इंजन, और साथ में वो एब्रो का जो ऑयल ट्रीटमेंट आता है वो डलवाया भाई, गजब हो गया। मतलब गजब की गेयर शिफ्टिंग, वेयर शिफ्टिंग एक नंबर हो गई है। और ये मेरा दोस्त ये रहा अजीश, माई फ्रेंड हियर। सो भाई ने मेरे को हाथ दे दिया। हाउ आर यू माई फ्रेंड? फाइन, कम विल सिट। तो मेरा भाई है, मतलब इनको भाई अभी तमिलनाडु से है मेरा फ्रेंड। सो उसको हिंदी उतनी अच्छे से नहीं आती, तो हम इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि मुझे तमिल नहीं आती, उसको हिंदी में नहीं आती, बट वी लव ईच अदर ब्रो लव। हमें नहीं पता रास्ता, तो भाई अभी लोकेशन डाल देगा, विल गो ऑन दैट लोकेशन मैन। आगे से इनोवा जा रही है, पूरी मिट्टी उड़ाती हुई गई है कार पूरी मिट्टी उड़ाते हुए जा रही है। तो चलो अभी निकलते हैं, पहले मेन हाईवे पे पहुँचते हैं, होसुर, अपना जो होसुर हाईवे है वहाँ से निकल के हमें जाना पड़ेगा, तो वहाँ पहुँच के फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी इस मोटर व्लॉगिंग को। मैन यार, ये रेड लाइट से बड़े परेशान हैं हम लोग। दिल्ली में भी परेशानी, बेंगलोर में भी रेड लाइट वाली परेशानी, और ट्रैफिक वाली है। ये ट्रैफिक काहे पीछा नहीं छोड़ता हमारा यार। चलो लाइट हो गई है, निकलते हैं। अभी मैंने एक देखी फॉर्चूनर भाई, पीछे से पूरी दबी हुई थी भाई फॉर्चूनर देख के, मतलब तरस आ गया मेरे को फॉर्चूनर के ऊपर कि उसके मालिक ने उसके ऊपर कितनी ज़्यादा वो करा हुआ है। कोरमंगला, सो कोरमंगला में ये है अपना नेक्सस। सो जिसको पता होगा पता है, जिसको नहीं पता भाई मैं बता रहा हूँ, ये नेक्सस मॉल है कोरमंगला में, नियर टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अगर आप बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहते हो, आपको अपने मतलब एंजॉयबल करने के लिए एक नियर बाई एरिया चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो नेक्सस कोरमंगला। सो नियर बाई है, सीधा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से। अगर आप बस से भी आओगे तो बस भी डायरेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, एंड बाकी अपने बाइक स्कूटी या कैब से आओगे तो भी आ सकते हो आप, नियर बाई है। मस्त आओ, आराम से घूमो फिरो, एंजॉय करो, और ज़िंदगी में एंजॉयमेंट होनी चाहिए, इंसान पैसा तो कमा ही लेता है। बाकी भाई लोग कहते हैं कि पल्सर में ना पिकअप की दिक्कत है, दो लोग बैठ जाते हैं पिकअप की दिक्कत है, अभी हम दो बैठे हुए हैं भाई, मेरे को तो कोई पिकअप की दिक्कत नहीं लग रही, मस्त चल रही है आराम से। वाह वाह, और क्या चाहिए,
सिटी के अंदर चलाने के लिए। बढ़िया है एकदम भाई, बहुत सही बाइक है एकदम। आपको रोड से चिपक के चलती है अपनी वेट की वजह से, थोड़ी माइलेज में आप थोड़ा सा रहेगी दिक्कत, माइलेज थोड़ी सी कम देगी, बट भाई लुक फील सब आपको एकदम पूरी 180 वाली फील मिलेगी, 150-180 वाली फील मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो चीज़ देख लो, अगर आपको मस्त चाहिए ना चीज़ तो ये है आपके लिए, आपके लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर आएंगे, एक नंबर व्लॉग लाएंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आएंगी। बस अपना सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को करते रहो सब्सक्राइब, बाकी आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। तो भाई वही एक मोटिवेशन होती है आपको सब्सक्राइब, आपको प्यार, वही एक मोटिवेशन है। ये देखो कीचड़ उछाला भाई ने, मतलब वो एसी है दिल्ली में होता ना एसी वाला माहौल, ये कह रहा समझ लगा मंदिर है, मैं तो जय करने लगा था तो पार्क वार्क है कुछ। तो भाई मतलब क्या है ना कि दिल्ली में जैसे गर्मी होती है ना, तो भाई वो वाली गर्मी बेंगलोर में हो गई है यार, कसम से बता रहा हूँ यार, इतनी गर्मी हो गई ना बेंगलोर में, मतलब क्या हो गया यार, बेंगलोर को नज़र लग गई किसी की, इतनी गर्मी हो गई। नहीं तो यार इतना बढ़िया यहाँ का मौसम रहता था, मैं जब यहाँ पे अकेले रहता था ना 2019 की बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया मौसम रहता था, शाम को जैकेट वैकेट पहन लेते थे, इतना ठंडा हो जाता था। अब मेरी वाइफ आई, मैंने अपनी वाइफ को बोला बेंगलोर में भाई बढ़िया मौसम रहता है, कह रही अच्छा ठीक है। वो जब से आई है भाई इतनी गर्मी हो रही है, मैं कहा भाई, वो कहते हाँ तुम तो बोल रहे बड़ा अच्छा मौसम रहता है, यहाँ तो गर्मी इतनी है। अपनी खन्ना जी वाली, तो खन्ना जी की तो बम्बल बी है, वो तो मोस्ट मॉडिफाइड मोस्ट लोडेड एक इंडिया के अंदर है G900, और ये भी है। अगर खन्ना जी, अगर आप खन्ना जी तो मेरे को लगता नहीं देखते होंगे, अगर देखते भी है तो भाई देख लो G900 बेंगलोर में, बट नो एग्जॉस्ट बिकॉज ऑफ पुलिस चलान। और भाई सब देख रहे हैं, अच्छा अच्छा देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मुड़ के देखना कौन सा हम है, बर्ली स्ट्रीट के अंदर शांति नगर। जाने दो, अपने पास भी आएगी एक दिन सुपर बाइक, जल्दी आएगी, बट आप लोगों का प्यार नहीं बन रहा, प्यार मिलाओ भाई, प्यार बनाओ जल्दी से, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, डोमिनर ले आएंगे 1 लाख सब्सक्राइबर पे, ठीक है। तो जितने भी भाई सब्सक्राइबर्स हैं करवाओ भाई, पकड़ पकड़ के लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब वब्सक्राइब करवाओगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कैसे होगा। सब्सक्राइब करवाओ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे करवाओ, कंटेंट के नाम पे लड़ियां लगा देंगे भाई कंटेंट की। तो सो नाउ वी आर एट द सेंट्रल बैंगलोर, जैसे दिल्ली का है ना सेंट्रल दिल्ली, कनॉट प्लेस वगैरह ऐसा एरिया है, तो ये अपना सेंट्रल हो गया बैंगलोर का, जिसको पता होगा नियर अबाउट हम एमजी रोड के आसपास हैं, जो कि मुझे लग रहा है क्योंकि ये एरिया देख रहे हो, मतलब जैसे अपने दिल्ली का एरिया नहीं, इंडिया गेट के पास जाते हैं कैसा लगता है, तो ये वैसे ही लग रहा है। सो बिल्कुल मतलब यहाँ पे सारे लग रहा है गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड ऑल वगैरह इधर है, तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी ऑफिसेज की बिल्डिंग्स हैं। सो ये देख लो यहाँ पे कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड, तो ये सारे गवर्नमेंट ऑफिस, कैनरा बैंक, ये वो, तो ये सारा वो वाला एरिया है, जैसे हमने दिल्ली का कनॉट प्लेस वाला एरिया हो गया। तो आप बिल्कुल कितने अच्छे, और ट्रीज़ देखो ऊपर, आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं यार ट्रीज़ यार, अगर इन ट्रीज़ को काट दिया जाए तो ये रोड की क्या वैल्यू रहेगी, कुछ नहीं वैल्यू रहेगी यार। सो नियर बाई चिकपेट मार्केट के आसपास है, और जिसको पता होगा पता है बेंगलोर में, नहीं तो मैं बताया था आपको चिकपेट क्या है। चिकपेट में भाई आपको यहाँ पे कपड़े जूते, ये वाला एक तरीके का होलसेल मार्केट है, दिल्ली का सदर बाज़ार है ना, तो ये चिकपेट यहाँ का वैसा मार्केट है भाई। आगे हम इधर अभी थोड़ा मार्केट में है, मेरे को मार्केट का एड्रेस लगती पता नहीं है मार्केट कौन सी है। सो मी विद माई ब्रो अजीश, सो अभी भाई ने कल अपना एक बिल्कुल ब्रांड न्यू था वो लिया है शाओमी का टैबलेट, सो उसके लिए अभी इधर हम वो लगवा लेते हैं टेम्पर्ड, सो वी आर हियर टू इंस्टॉल द टेम्पर्ड ना फॉर योर, या तो से समथिंग इन तमिल, लाइक हाउ आर यू और लाइक समथिंग इन तमिल, यो सो फॉलो माई ऑल हु आर वॉचिंग फ्रॉम द तमिलनाडु फॉर देम। तो चलते हैं भाई ढूंढते हैं, एक्सप्लोर इन बेंगलोर, वेरी गुड गुड गुड, अल्लाह रखेंगे अल्लाह में, ओह ग्रेट। सो यार भाई के टेम्पलेट के लिए रुके, बट बैड लक टैम्पर्ड अपना नहीं मिला, क्योंकि भाई जो भाई ने पैड लिया ना शाओमी का, शाओमी पैड 5 समथिंग है, तो ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट लॉन्च है शाओमी का, बोलो स्ट्रेट ना। सो लेटेस्ट लॉन्च होने की वजह से इसकी जो पार्ट्स की थोड़ी अवेलेबिलिटी अभी है नहीं मार्केट में, इसके टैम्पर्ड एंड कवर्स वगैरह उतने अभी मिल नहीं रहे हैं, बाकी देखते हैं अगर कितना किधर मिलता है तो, और किधर, उधर तो मिला नहीं किधर, अगर और कोई शॉप मिलेगी तो एक बार रुक के ट्राई ज़रूर करेंगे कि मिल जाए, भाई का काम भी हो जाए, फिर भी नहीं हुआ तो अगर कोई बात नहीं, इट्स आवर बैड लक देन, कैन नॉट से एनीथिंग, अपन को तो फिर देखेंगे ऑनलाइन मंगवाएंगे, फिर लगा लेंगे ऑनलाइन मंगा के, और क्या। ये कौन सी जगह होता है भैया, कौन सा प्लेस, प्लेस का नाम मलेश्वरम,
मलेश्वरम सर्कल, ये पूरा मार्केट चिकपेट जैसा है ना, चिकपेट जैसा सेम मार्केट लग रहा है पूरा। हाँ मार्केट सेम सेम। चलो भाई तो ये मलेश्वरम एक जगह है भाई, यहाँ भी मार्केट है, यहाँ भी आप आ सकते हो अगर आप बैंगलोर से हो ना, तो इधर भी आप आ सकते हो मस्त शॉपिंग करने, एकदम मस्त स्ट्रीट शॉपिंग जो कहते हैं ना, बैंगलोर की स्ट्रीट शॉपिंग हो जाएगी आपकी अगर यहाँ आओगे तो। आप खासकर भाई एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स, सो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ना, इधर सब लड़कियों के लिए ही है, सूट साड़ी ये वो लड़कियों के लिए, लड़के जाए भाड़ में, लड़कों के लिए कुछ नहीं है। सो भाई देखो अंडरपास आ गया और उछल गए, मैंने भाई को उछाल दिया फिर से, एंड अभी अब नहीं उछालेंगे। और ये देखो क्या प्यारे डिज़ाइन में इधर वो बना रखे हैं, ये प्लांट्स का डिज़ाइन देख रहे हो, मतलब यार किसने कराई ये डिज़ाइन, यार ऐसे कोई चलता डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन दिया ये प्लांट्स का यार, इधर हद हो गई, डिज़ाइन देने वाले ने भी यार क्या दिमाग में आया हुआ यार उसके, यार ये अच्छे लग रहे हैं जो यार डिज़ाइन दे रहे हैं ना, ये वाला अच्छा लग रहा है, फिर भी वो पीछे पता नहीं यार क्या डिज़ाइन दे दिया अजीब सा। सो ये आगे लेफ्ट में इधर, और ये देखो पटरियाँ, ये देखो इधर से पटरियाँ, तो इधर से अपना ट्रेन जाती है टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। ये मेरे को याद आ गया एरिया, क्योंकि जब मैं आया था वो बहुत पहले, मेरा एक फ्रेंड है निखिल, उसके साथ हम स्कूटी पे आए थे मैं और वो, तो वो भी एक दिन था उसका सर फूटा हुआ था, फूटे हुए सर को लेके हम उसके ऐसे आए थे यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, पहले यहाँ बाउंस चलती थी, बाउंस लेकर आए थे भाई, वो मूवमेंट बहुत बढ़िया था अपना भाई, वो एन्जॉयबल बहुत, मतलब बड़ी राइट लेफ्ट, तो वो मूवमेंट बहुत अच्छा था, मतलब हम लोग हमारे पास, मेरे पे एक मेरे लैपटॉप बैग था, एक मेरे फ्रेंड के पास लैपटॉप बैग था, दो हमारे पे बड़े सूटकेस थे, और हम यहाँ से दिल्ली जा रहे थे वापस। सो उस टाइम की बात है, हम लोग भाई मतलब पैसा बचाने के चक्कर में हमने क्या करा, बाउंस उठाई स्कूटी, ठीक है स्कूटी पे हम बैठ गए दोनों आराम से, और स्कूटी पे हमने रख लिया एक आगे रख ली स्कूट, एक सूटकेस हमने आगे रख लिया, एक सूटकेस हमने पीछे रख लिया अपने बीच में, और एक मैंने बैग आगे टांग लिया, एक दोस्त ने बैग पीछे टांग लिया, तो ऐसे करके भाई हम लोग नियर अबाउट ऐसे 25-30 किलोमीटर ऐसे आए थे भाई। तो भाई ये बस हम पहुंचने वाले हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, सो एंड ये कोई बस स्टैंड है इधर का, और बस इधर किधर से लेफ्ट लेना है एंड रेलवे स्टेशन आ जाएगा अपना, तो ये पुलिस स्टेशन है एंड आई थिंक यहाँ से लेफ्ट लेना है रेलवे स्टेशन के लिए। तो ये आ गया साउदर्न वेस्टर्न रेलवेज यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, सो अब आ गए हम यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे, तो भी आपको यहाँ पे चलते अंदर। देख लो ये ट्रेन जा रही है अपनी, और ये साउदर्न रेलवे की ट्रेन है, सो देख लो ये अपने पुराने वाले कोचेज लग रहे हैं मेरे को जो आते थे, मतलब तो LHB आ रहे हैं, पुराने वाले पता नहीं कौन से थे, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता, ये वाले कोचेज लग रहे हैं देख रहे हो, और ये अपना 3-tier AC एंड देन आई थिंक स्लीपर है साउदर्न रेलवे का, साउदर्न रेलवे का मतलब ये पहचान है जो कलर, दिस इज़ द मतलब एक पहचान है ये साउदर्न रेलवे की। और हम दोनों आए थे इधर, थोड़ा सा कुछ काम था, तो बेसिकली हमने वो अपना काम पूरा कर लिया, तो ये देखो भाई बैकवर्ड जा रही है ट्रेन देखो तो पीछे जा रही है, पीछे आती हुई ट्रेन देखी आपने कभी, ये देखो मतलब इंजन पीछे की तरफ पुल कर रहा है ट्रेन को, तो पीछे एक गार्ड होता है वो आगे से पीछे से मतलब यहाँ तक मतलब उनके वॉकी टॉकी होता था, उससे वो पूरी इन्फॉर्मेशन देता है आगे, जो अपना पायलट होता है मतलब जो ट्रेन के इंजन को जो चलाते हैं, वो पायलट को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है और फिर वो पीछे तक ट्रेन लेके जाता है। आई थिंक ये पीछे लेके किधर पार्क कर देंगे ट्रेन को, उधर ट्रेन की क्लीनिंग एंड ऑल सब कुछ होगा, देन अगेन ये अपने नेक्स्ट रूट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी ट्रेन, और जिधर भी जाना है सो उस लोकेशन पर ये ट्रेन जा सकती है, और बहुत लोगों को अपने घर पहुँचाएगी ये ट्रेन। और ये जो ट्रेन है ये है अपनी, कौन सी है ये, विजयपुरा यशवंतपुर विजयपुरा कर्तबी, तो मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली किधर है ये, तो देख लेना अगर साउथ में ही मेरे को लग रहा है किधर है। एंड दिस इज अ डीजल लोकोमोटिव, सो डीजल लोकोमोटिव बहुत कम देखने को मिलता है अब इंडियन रेलवे के अंदर, ये देख लो भाई केवल एक पृथ्वी, कितनी अच्छी देखो यहाँ पे वो भी देखा है #केवल एक पृथ्वी भारतीय रेल,
तो ये देखो, और वो जा रही पीछे से गरीब रथ, तो ये गरीब रथ की पहचान है। देख लो ये जा रही है ना पीछे से, ये जो कलर है ये गरीब रथ की पहचान है। तो पीछे गरीब रथ भी जा रही है अपनी किधर, मतलब इसमें लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, सो सब अपने अपने घर जा रहे हैं। एंड देख लो इधर इंजन में, उधर उस साइड है जो यहाँ के ड्राइवर है वो, मतलब पायलट है वो उस साइड है, और वहाँ से वो गरीब रथ भी जा रही है। उसका भी मेरे को लग रहा है टाइम हो गया, निकल गई है वो ट्रेन भी। एंड गरीब रथ में लगा हुआ है अपना एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। सो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को इतनी देख लो आवाज़ नहीं आती जितनी अपनी डीजल लोकोमोटिव की आवाज़ आती है। तो डीजल लोकोमोटिव बेसिकली इसमें बहुत ज़बरदस्त टॉर्क एंड पावर बहुत अच्छा होता है। और बाकी ये अपना कुछ, ये देख लो ये अपना कुछ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। सो ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है अपने बैंगलोर के अंदर। सो बेसिकली यहाँ पे एक ये है अपना यशवंतपुर, एंड अपना आपको पता है सबको SBC, एंड एक और है वो न्यू जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम मुझे नहीं पता, जो बिल्कुल ही न्यू बनाया हुआ है रेलवे स्टाइल, मतलब एयरपोर्ट स्टाइल में। सो ये अपने दो तीन रेलवे स्टेशन हैं जो अपने इधर है, ये देख लो। और वहाँ देखा आपने भाई कितना ज़बरदस्त पीछे का नज़ारा, मतलब रेलवे ट्रेन देख के ना, मतलब मेरे माइंड को थोड़ा सा साइलेंट शांति मिल जाती है, अच्छा लगता है ट्रेन देख के। सो माय फ्रेंड हियर फ्रॉम द तमिलनाडु, सो कम ब्रो, सो वी बोथ केम हियर, वी एंजॉय द लॉट ऑफ राइडिंग टुडे। नाउ ही विल राइड, आई विल सिट बिहाइंड हिम एंड विल गो टू बैक टू आवर होम, ही विल गो बैक टू हिज पीजी एंड आई विल बैक। दिस इज द व्लॉग एंड टुडे लाइक वी विल एंड द व्लॉग हियर। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, एंड डू लाइक शेयर and press the bell icon as well if you like this video, and we'll meet you in the another vlog. Till then, see you. Okay, bye bye.